बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुमने नौयान को धोखा दिया था, तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? और तुम जासूस हो हाँ? ये दोनों गद्दार हैं। बाबा, कौन था वो जालिम? ये किसने कर दिया बाबा? अगर कातिल गुंदुस हुआ तो उसके साथ मैं अपना सर भी कटवा दूंगा खातून। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारी जबान कैसे खुलवानी है जानता हूं मैं, फिक्र मत करो। तुम कातिल जब तक पकड़े ना जाए सब्र करना होगा। कातिल आपका बेटा गुंदुस है। मेरे भाई को जल्द से जल्द पैगाम भेजो, हालात से आगाह करो, उसे बताओ अर्तुरुल सरदार के बेटे गुंदुस ने हमारे बाबा को कत्ल कर दिया है। और इलबिल के खातून, उन्हें आखिर कैसे समझाएंगे हम सरदार? हर चीज का एक वक्त होता है बमसी, अभी शोक में है वो। इस शोक से जब बाहर आ जाएंगी तो समझाने की कोशिश करूंगा उन्हें मैं। बाजार में अफरा तफरी फैला दो, कहो कि उमूर सरदार मर चुके हैं, उमूर और लार वाले जल्द यहां पर आने वाले हैं, एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है, बताओ सबको जाकर। ये तो मेरी बीवी हेलेन, मेरा बेटा लियोन, ये तुम्हें कहां से मिला? बताओ कहां से मिला तुम्हें ये? कुस्तुनतुनिया से वापसी पर उन्हें अपना मेहमान बना लिया है हमने। परेशान मत होना, वो हमारे आदमियों के पास खैरियत से हैं। समझदारी दिखाओ वरना तुम भी उनके साथ मारे जाओगे। अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो देख सकते हो, या फिर अर्तुरुल को सब कुछ जाकर बता सकते हो जो यहां हुआ। लेकिन ऐसा किया तो तुम खुद को और अपने घर वालों को मौत से बचा नहीं पाओगे। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तुमने कहना माना तो सूट हमारा हो सकता है और तुम बाजार के मुंतजिम बनकर और ज्यादा अमीर हो सकते हो। सोच लो मैं किस क्या चाहते हो मुझसे। अपने बीवी बच्चों से कब मिल सकता हूं मैं? जब वक्त आएगा तो वहां ले जाएंगे तुम्हें, अभी इंतजार करना होगा।
आप लोगों ने पहले हमारे सिपाहियों को कत्ल किया, उसके बाद हमारे सरदार को। अब हमारी बारी है अर्तुरुल सरदार। मेरी बात सुने अताज साहब। सुनने को कुछ नहीं बचा अर्तुरुल सरदार। आप और आपका बेटा हमें वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। हम इंतकाम जरूर लेकर रहेंगे। मैं आपका गम समझ सकता हूं। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल का वादा है, कातिल को ढूंढकर सजा दूंगा मैं। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, कातिल हमारे करीब है। हमें आप पर और आपके सिपाहियों पर एतमाद नहीं है। आर्तुक भाई की निगरानी में तहकीकात करेंगे हम। यह मसला सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरा भी है। हम किसी नए जुर्म के मुतहमिल नहीं हो सकते। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको हमारी लाशों से गुजर कर जाना होगा। हम ना आपसे और ना ही मौत से डरते हैं। कुंदूस ही कातिल है, पूरा यकीन है हमें, और आप उसके साथ उसके इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। हम आप पे एतमाद नहीं कर सकते बिल्कुल। देखिए खातून, इस सराय में मौजूद कोई भी शख्स आपके वालिद का कातिल हो सकता है। मैं यहां मौजूद तमाम लोगों से तहकीकात करूंगा। आर्तुक भाई की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि यह सब कैसे हुआ, कातिल कैसे सराय में दाखिल हुआ। मैं इस मामले की मुकम्मल तौर पर तहकीकात करूंगा। आप भी शामिल हो सकती हैं इलबिल के खातून। मिलकर सच तलाश करेंगे हम। अब आप अपने सिपाहियों को पीछे करें, दोबारा नहीं कहूंगा यह बात। इन्हें एक आखिरी मौका देते हैं, कोई भी सिपाही इनके रास्ते में ना आए। उम्मीद है आप दुरुस्त तहकीकात करेंगे। उमर सरदार पर वार करने के लिए जिस खंजर का इस्तेमाल किया गया वो कुंदूस का है। और जो दूसरे सिपाही कत्ल हुए? उमर सरदार से पहले मैंने उन सिपाहियों का मुआयना किया था भाई, उन्हें दो अलग अलग तलवारों से कत्ल किया गया है। तो मतलब कातिल अकेला नहीं था? सही कहा आपने।
वो तीन लोग थे खातू। उन्होंने खामोशी से बाहर मौजूद निगरानों को मार डाला। फिर कातिल कमरे में दाखिल हुआ। पहले उसने अंदर मौजूद मुहाफिज को मारा, उसके बाद उमर साहब पर हमला किया। वक्त नहीं लगा ज्यादा, ये लड़ाई मुख्तसर थी बहुत। आपको खंजर इनके दाएं जानिब से मिला था। जी बिल्कुल। देखिए खातून, अपने बेटे की परवरिश मैंने बहादुर जंगजू की तरह की है, किसी कातिल की तरह नहीं। लेकिन अगर उसे कातिल मान भी लूं तो ये हरगिज नहीं मान सकता कि वो इतना बेवकूफ है कि अपना खंजर यहां भूल जाए। ये आप हमसे नहीं, अपने बेटे से पूछिए अर्तुरुल साहब, अगर उसे ढूंढने में कामयाब हो जाए। आप कहना क्या चाहते हैं अर्तुरुल सरदार? कातिल ने कत्ल करने के बाद जानबूझकर खंजर यहां छोड़ दिया ताकि इल्जाम गुंदुस पर आ जाए। आप अपनी अदालत कायम करें और इन सबूतों की रोशनी में अपने बेटे को बेगुनाह साबित कर लें। हम आपकी बातें सुन चुके हैं और सब कुछ देख भी चुके हैं। या तो आप अपने बेटे को तलाश करके कत्ल करें या हम खुद कर देंगे। बस बहुत हो गया, जाइए, मुझे मेरे बाबा के साथ छोड़ दें। यह खंजर मुझे दें। इसमें कोई शक नहीं कि कत्ल गुंदूस ने नहीं किया। हमें उसे जल्द तलाश करके इलबिलगे खातून के शर से बचाना होगा। जब इस कत्ल की खबर कोनिया पहुंचेगी तो वो गुंदूस को कत्ल करने आएंगे, इंसाफ के लिए नहीं। ड्रैगोस जब तक पकड़ा ना जाए तब तक हम नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। गुंदूस की जिंदगी ड्रैगोस की गिरफ्तारी से मशरूत है। अर्थुर सरदार, अगर इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना है जांगुच? अर्थुर सरदार, आप मुझे कोई मुलाजमत दिलवा दें, मैं अब यहां काम नहीं करना चाहता। मैं बदनुमा हूं। आपने कहा था जांगुच, कोई इंसान किसी इंसान का आका नहीं होता। आपने सिर्फ अपने हम मजहब लोगों के साथ ही इंसाफ नहीं किया बल्कि तमाम लोगों के साथ इंसाफ किया है। बहुत शुक्रिया सरदार। आप जैसे इंसाफ पसंद इंसान के बेटे से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी बूढ़े इंसान का कत्ल कर दे। जानता हूं मैं, गुंदूस बेकसूर है, मासूम है, नौजवान है, ना तजुर्बेकार है, नादान है वो। मुझे आपके इंसाफ पर पूरा यकीन है सरदार। मैं खुदावंद से दुआ करूंगा कि वो आपके बेटे पर रहम फरमाए। इस दुनिया में किसी को अपनी एक सांस का भी इख्तियार नहीं। अल्लाह ने अपने फजलो करम से हमें महफूज रखा हुआ है। उसी के फजलो करम से
दुश्मनों के बीच बेखौफी से जिंदा रह रहे हैं हम सांगुच। अल्लाह का इंसाफ हमें वहशी और जालिमों के सामने महफूज रखेगा और हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। आप पर करम हो खुदावंद का। आज उन दुश्मनों ने चाल चली है। सही कहा आपने, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जब वक्त आएगा तो सब देख लेंगे कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल की तलवार से उनकी मौत होगी। तुम्हारे इंसाफ पर मेरी तलवार का साया मंडला रहा है अर्तुरुल, आज नहीं तो कल इसका मजा जरूर चखोगे। मेरे प्यारे बाबा, मेरे बहादुर बाबा, आप हमेशा हमारे लिए चट्टान की तरह खड़े रहे। आपके जाने से मैं कमजोर हो गई हूं। के बिना मैं अधूरी हूं बाबा। उन्होंने आपको इस स्याह मट्टी के नीचे पहुंचाया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कुंदूस को तलाश करूंगी और उसके हर जुल्म का हिसाब लूंगी मैं। गुंदुस के लिए तुम वो वाहिद शख्स हो जारी जिस पर वो भरोसा कर सकता है। तो अब तुम हमें सब कुछ बता दो जो भी मालूम है। आखिरी बार हम उसी वक्त मिले थे जब हम जिंदान में थे, और फिर उसके बाद वो उमर सरदार गुंदुस के खंजर से कत्ल कर दिए गए। क्या तुम ये बात समझ नहीं पा रहे? कातिल कहा जा रहा है तुम्हारे भाई गुंदुस को। हमें उसे जल्द ढूंढना होगा ताकि उस पर से इल्जाम हटा सके। कुछ भी जानते हो तो बता दो हमें, और अगर ये सोचते हो कि राजदारी से मदद कर रहे हो तो गलत कर रहे हो चारी, गलत कर रहे हो तुम। ये जाल कुंदुस के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए बिछाया गया है। ये बात समझ क्यों नहीं रहे? हम सबके लिए बिछाया गया है। अगर तुम वाकई अपने दिल से मदद करना चाहते हो अपने भाई की, तो बता दो सब कुछ जो भी जानते हो। मुझे इस मामले से हर हाल में खुद ही निमटना होगा। बाबा पर लगे हुए तमाम दागों को खुद धोना होगा। अब बता मुझे, क्या मेरी मदद करोगे या फिर नहीं चारी? वादा करता हूं जान दे दूंगा अपनी, लेकिन हार नहीं मानूंगा। नहीं बंसी चाचा, मैं नहीं जानता कुछ भी। खूब, बहुत खूब। तो फिर जा सकते हो। अगर कुछ भी पता चले हमें जरूर बताना, समझ गए जा रही? जैसा आपका हुक्म। तुमरुल,
जारी के उठाए एक एक कदम पर नजर रखना। जो आपका हुक्म बम से सिपा सालार। जाओ होशियार रहना। जाओ चारी, आखिर कहां रह गया ये? ये दुकान बंद क्यों है? हमने कहा था ना कि हमें तलाशी लेनी है। ये दुकान तो बहुत अरसे से बंद है, तलाशी की जरूरत नहीं। चलो चलते हैं हम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहां रह गए? जल्दी से आ जाओ चारी, मैं मजीद यहां नहीं रुक सकता। नोयान इनकी वजह से मारा गया। बताओ गद्दारों, किसके लिए काम करते हो? नोयान को धोखा क्यों दिया तुमने? तुम्हारा नोयान अपनी ख्वाहिशात में अंधा हो गया था। वो बहुत मगरूर इंसान था। मैंने सब कुछ हलाकु खान को बता दिया था। और हां, तुम लोगों को भी। उस मगरूर नोयान से मेरी वजह से छुटकारा मिला। मुझे बताओ कि अब तुम किसके लिए काम करते हो? मैं हक के लिए काम करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए काम करता हूं। तो तुम मुसलमान हो गए? तुम्हारा खून भी उन मुसलमानों के खून में मिला दूंगा जिन्हें मैंने अनातोलिया में मारा है। गद्दार! तुम्हें सब बता दिया है, अब और क्या चाहते हो? तो फिर तुम ही बता दो कि किसके लिए काम करते हो, वरना तुम्हें तुम्हारे ही खून में नहला दूंगा। हम किसी के लिए काम नहीं करते। चाहे कोशिश कर लो, जवाब यही है। या तो तुम्हें बताना होगा या फिर मरना होगा। अर्तुरुल सरदार, क्या चाहते हैं आप हमारे सिपाहियों से? क्या उन्हें भी मारना चाहते हैं? कौन से सिपाही इलबिल के खातून? क्या वो सिपाही जिन्होंने सरहद पर जाल बिछाया हुआ है? आप और आपके सिपाहियों के लिए यह गम का दिन है। आपका दुख मेरा दुख है। यकीन कीजिए मेरा, हम सब एक ही जाल में जकड़े हुए हैं इलबिल के खातून। आप जो जिम्मेदारी निभाने आई हैं, उससे आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि बदगुमान हो जाएंगी आप। आज से यह सराय आप और आपके सिपाहियों का है। आप यहां पर सोग मनाएं और मेरी ताजियत कबूल करें।
लेकिन आपको कुछ बताना चाहता हूं इलबिल के खातून। जिस दिन वो हादसा हुआ गुंदूज ने नहीं बताया कि वो कहां था, लेकिन मुझे मालूम हो चुका है वो जमींदार यानिस की बेटी इरन के साथ था। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वो उससे मुलाकात के लिए गया था। तो उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो नहीं चाहता था कि सरेआम इरन का नाम लिया जाए और उसकी बदनामी हो। वो हिचकिचा रहा था, इसलिए उसने इसे राज रखा। मौका मिलते ही मैं जमींदार के पास जाऊंगा और मुलाकात करूंगा और असल हकीकत मालूम करूंगा उससे। जो कुछ हुआ उसके बाद आपको लगता है मैं आपकी बात पे यकीन कर लूंगी? इस सरजमीन पे हमारा खून बहाया गया, कातिल अब तक मफरूर है। इन बातों से आप दिलों में लगी हमारी इस आग को कैसे सर्द कर सकते हैं? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो यकीन दिलाने के लिए जान हाजिर है मेरी खातून। आप मेरे बेटे गुंदूस को सिर्फ एक कातिल के तौर पर देख रही हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम मैं अपने बेटे को एक बाप के तौर पर खतरे में देख रहा हूं। मार दे मुझे अगर यकीन नहीं मुझ पर। क्या सोच रही है? आगे बढ़े। मुझे इंसाफ चाहिए अर्तुरुल सरदार। अपने बाबा का, अपने सिपाहियों का इंतकाम लेना है मुझे। पूरी करना चाहती हूं मैं अपनी ये जिम्मेदारी। इंसाफ चाहती हूं मैं, इंतकाम चाहती हूं। कातिल को मिलकर तलाश करेंगे खातून, इंशाल्लाह हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। आप इंसाफ चाहती हैं तो ये इंसाफ गुस्से से हासिल नहीं होगा, जो साजिश हुई है उसे समझने के लिए अक्ल से और ईमान से काम लेना होगा।
तेल मिल के खा दो। उठिए। मैं आप पे एतमाद करूंगी अर्तुरुल सरदार, लेकिन मायूस मत कीजिएगा मुझे। झूठ बोलना, कत्ल करना, दोनों बड़े गुनाह हैं, बहुत बड़े गुनाह हैं बेटा। खुदावंद हमें इनसे महफूज फरमाए। अब तुम जा सकते हो बेटा, मेरी नसीहत फरामोश ना करना। क्या खबर है? उन्होंने चारी से गुंदुस के बारे में सवालात किए थे, चारी ने कुछ नहीं बताया उन्हें। दुकान से दूर मत जाना तुम, वो यकीनन चारी का पीछा करेंगे। अर्तुरुल के सिपाही अगर दुकान तक पहुंच जाए तो उन्हें रोकना होगा। गुंदुस तक सिर्फ इल पिल के खातून पहुंचनी चाहिए, लेकिन पहले अर्तुरुल को सऊद से बाहर भेजना है। क्लास नामी वो आदमी इतना अहम क्यों था जनाब? एक शख्स जिसका नाम ड्रेगोस है वो सोद पे कब्जे के लिए तहरीक चलाने वाला है। देवक्लस जमींदार यानिस का बहुत खास जासूस था। कुस्तुनतुनिया में मौजूद हलाकू खान के जासूस से यह बात पता चली। सऊद जाएंगे क्या? जाऊंगा, वहां से कुछ जरूरी मालूमात हासिल करनी है। इनकी जबान खुलवाओ और फिर यहां से गायब हो जाना। हमारे सिपाही बहुत गुस्से में हैं, उन्हें काबू करना आसान नहीं होगा, वो किसी दलील को नहीं मानेंगे, सिर्फ एक इशारे के मुंतजर हैं। सिपाहियों से खुद बात करूंगी मैं, और आप भी पुरसुकून रहिए।
अर्तुरुल सरदार तहकीकात कर रहे हैं। कोई भी मुश्किल मत खड़ी कीजिए उनके लिए। हम कैसे उन्हें मनमानी की इजाजत दे सकते हैं? एक बाप अपने बेटे के खिलाफ कैसे तफ्तीश करेगा? हमें उन पे भरोसा करना ही होगा आताज साहब। उनके साथ हम कदम होकर चलेंगे। लेकिन एलबिल की खातून आताज साहब, जो कहा गया है वही कीजिए। ये कत्ल तुम्हारी खंजर से हुआ है। वो लोग तुम्हारी तलाश में हैं। कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लो मार के। कब और कहां देखा कुंदूस को? उन्हें सऊद से बाहर जाने वाले रास्ते पर देखा था। शिमाल की जानिब जा रहे थे। उस्मान के साथ गया है वो। किस जानिब गया है बताओ मुझे फौरन। वो पिछले दरवाजे से निकले और जुनूब की तरफ गए। हमें इसकी हकीकत जाननी होगी नेहा। वो जमींदार ही हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। भाई हूँ आपका, अगर साथ नहीं ले जाएंगे तो शर्त यह है कि पहले मारना होगा मुझे। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, ढूंढ लूंगी मैं।